हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है पूनम पुंजे स्पेशल मिनी ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग। देखिए मेरी ये बेसन की सब्जी, मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है। बेसन में नमक, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अजवाइन रस्ट करके मैंने थोड़ा डाल लिया है। इसको घोल बना करके कढ़ाई गरम करके तेल डाल कर इसको अच्छे से मैंने चाड़ ली हूँ। चाड़ना मतलब कि हलवे की तरह मैंने इसको कर लिया है। तब थाली में इसको तेल लगा करके ताकि चिपके नहीं, और उसको फैला करके सेट होने के लिए छोड़ दिया। तब तक इधर मैंने मसाले जो भी है सब मैंने तैयार कर लिया है, और थोड़ा सा इसमें मीट मसाला और पनीर मसाला डाल लूँगी, लेकिन इसमें लहसुन का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। जो भी मसाला है आपके पास उसी से हो जाएगा। तब देखिए पीसेस काट कर कढ़ाई में तेल डाल करके इसको थोड़ा सा लाल होने तक, ब्राउन होने तक भूंज लिया है। इसको ऐसे भी खाएंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले से ही बेसन पक चुका है। तब इसमें तड़का लगाकर प्याज दो काट लिया था एकदम बारीक छोटा छोटा, तब उसको लाल होने तक भूंज लिया है। भूंजने के बाद मसाला भी पूरा भूंज लिया है, पूरा अच्छे से मसाला भूंज जाए 5 मिनट में। तो पानी डाल करके पूरा उसमें जितना भी पानी है डाल करके गिलास अपने अकॉर्डिंग डाल करके पूरा खोल जाए, तब उसमें सारे जो भी अपने बेसन का पीसेस काटे हैं और छाने हैं उसको उसमें डाल दीजिए। मैंने दो तरह से गोल भी कर दिया है और हलवे की तरह बर्फी काट में भी काट दिया। देखिए मेरा बेसन का सब्जी तैयार हो गया। आज पति देव ने बोला कि बहुत अच्छा लगा आपका बेसन का सब्जी, लेकिन मुझे थोड़ा सा कुछ कुछ कमी लगा। उनको सुबह 8 बजे ही ड्यूटी जाना है तो चावल खर के जाते हैं, क्योंकि 5 बजे आते हैं और लंच लेकर के जाते हैं, रोटी वोटी वगैरह लेकर जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।